वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी बिल को तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों का समर्थन मिल गया है। इसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके जीएसटी पर चर्चा की और मुख्यमंत्री जयललिता ने जीएसटी पर तमिलनाडु की चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। दिल्ली में लाभ के पद वाले मामले की वजह से 21 आप विधायकों पर सदस्यता जाने का खतरा पैदा हो गया है। इस मामले में चुनाव आयोग विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करेगा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने मामले पर सही निर्णय नहीं लिया था। कांग्रेस ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एसीबी द्वारा प्रीमियम बस योजना मामले में पूछताछ के बीच इस्तीफा दिया। गोपाल राय ने अपने इस्तीफे के फैसले की वजह खराब स्वास्थ्य बताया। केंद्र सरकार ने कैराना मुद्दे पर यूपी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भाजपा का 7 सदस्यीय जांच दल आज गांव का दौरा करेगा। मुंबई की विशेष अदालत ने विजय माल्या को आईडीबीआई बैंक का कर्ज ना चुकाने पर भगोड़ा घोषित कर दिया है। ईडी ने अदालत से अपील की थी कि माल्या जानबूझकर गिरफ्तारी से बचने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। केरल में मॉनसून की बारिश जारी है। 16 जून के बाद मॉनसून महाराष्ट्र पहुंचने का अनुमान है। इसी बीच हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के चलने के कारण उत्तर प्रदेश का मौसम सुहावना हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 देशों की अफ्रीकी यात्रा के दूसरे चरण में आइवरी कोस्ट के दौरे पर हैं। आइवरी कोस्ट पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी वहां के राष्ट्रपति अलासने ओउतारा ने की। इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आइवरी कोस्ट के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति एक्जिम बैंक को पुनः खोले जाने की साक्षी बनेंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। आरबीआई ने डूबते कर्ज से निपटने के लिए नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में बड़े एनपीए की रीस्ट्रक्चरिंग मुमकिन हो पाएगी और बड़े प्रोजेक्ट का रिवाइवल हो पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप की ऑरलैंडो नरसंहार की पृष्ठभूमि में मुसलमानों के लिए टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्हें बताया गैर जिम्मेदार। अमेरिका में अत्याधुनिक हथियार से लैस हमलावर ने मंगलवार को टेक्सास में एक वॉलमार्ट स्टोर में अचानक गोलीबारी कर एक शख्स को बंधक बनाया। पुलिस ने कुछ ही समय में जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से मात दी। इस जीत के बाद भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का 3रा और आखिरी मुकाबला आज हरारे के मैदान पर खेला जाएगा।